तो सनी पाजी को मिल गई है आवाज और ये आवाज जाट फिल्म के अंदर धमाका करने वाली है, धमाका। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप सब देख रहे हैं जनगणना रिएक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबको धनतेरस की शुभकामनाएं, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। ध्यान रखिएगा, धनतेरस धन का त्यौहार नहीं है, धनतेरस स्वास्थ्य का त्यौहार है। ध्यान रखिएगा ये बात, हर जगह धन धन के पीछे के भैया गोल्ड कॉइन खरीद लो, सिल्वर कॉइन खरीद लो, धन आएगा धन आएगा। धनतेरस धन का त्यौहार नहीं है, धन का त्यौहार दिवाली है या लक्ष्मी जी पूजा है, लक्ष्मी पूजन जब करते हैं। लेकिन धनवंतरी का आना ये बताता है कि भैया लक्ष्मी आपको चाहिए, तो पहले आप स्वास्थ्य लेकर आइए, अगर स्वस्थ रहेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। तो खैर, इस दिन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में रविंदर जी हैं जालंधर से, आपका बहुत बहुत थैंक यू दीदी, आपने मतलब बहुत खूबसूरत, मुझे मालूम है दिवाली का मौका केक का नहीं होता, लेकिन ये केक की तरह देख भी नहीं रहे, ये मिठाई है जो दिवाली की मिठाई भेजी है जालंधर से नोएडा स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच, आपने मतलब दिल खुश कर दिया है। और ये जो मिठाई है ये पूरे जनगणमन परिवार के लिए मिठाई है, और ये जो केक दिख रहा है ये पूरे जनगणमन परिवार की तरफ से आया और जनगणमन परिवार के लिए है। तो थैंक यू आपका बहुत बहुत, आपका बहुत शुक्रिया। और ये परिवार लगातार बड़ा हो रहा है आप सबके प्यार की बदौलत। चलिए जी, अमृत मान की बात हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा छुपाने की ज़रूरत कुछ है नहीं, रहस्य कुछ है नहीं। कल डॉन गोपीचंद ने ये फोटो डाली थी अपने इंस्टाग्राम पर, रात को डाली थी, तो हमने कहा चलिए कल इसी पर एपिसोड करा जाएगा। अमृत मान और सनी पाजी के साथ में फोटो डाली गई थी, आप फोटो को ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीज़ें एकदम क्लियर हैं। अमृत मान का हैदराबाद पहुंचना एक, और अमृत मान का रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होना दो, ये दोनों बातें ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि भाई अमृत मान की आवाज़ फिल्म में है और अमृत मान सनी पाजी के लिए गाना गा रहे हैं। अच्छा, ये एकदम क्लियर है कि वो गाना उस तरह का नहीं होगा कि जिसमें सनी पाजी डांस करते हुए नजर आएंगे, ये अगेन ये BGM सॉन्ग होगा। और कई लोग एनिमल के साथ कंपैरिजन करने में वो करते हैं, लेकिन जिस तरह एनिमल के अंदर BGM सॉन्ग की भरमार थी ना, उसी तरह आप इस सॉन्ग को समझ लीजिए। अमृत मान जो गाना गाने वाले हैं वो लगभग BGM में होगा, मतलब सनी पाजी गाना नहीं गाने वाले, वो BGM के अंदर पूरा म्यूजिक रहेगा और उसके ऊपर सनी पाजी एक्शन करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें बड़ी मज़ेदार हैं, आप ज़रा उस पर गौर कीजिएगा। नंबर एक, हिंदी का शेर, मतलब बॉलीवुड नहीं कह रहा हूँ मैं, हिंदी सिनेमा का शेर सनी पाजी, ठीक है जी। तेलुगु का डॉन गोपीचंद और पंजाबी का मान अमृत मान, ये तीनों एक साथ जुड़ रहे हैं, तीनों एक जगह नज़र आएंगे, और क्या धमाका होने वाला है वो फ्लेवर आप समझ रहे हैं। मैं आपको बताया कि जब मैं वहाँ मौजूद था हैदराबाद में, रिकॉर्डिंग देख रहा था, और जो मैंने देखा कि वहाँ के जो स्टार कास्ट है, जो एक्शन के अंदर शामिल हैं, उनमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो तेलुगु बेल्ट्स के ही हैं, जो स्टंट कर रहे हैं, जो मतलब विलेन के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं वो फ्लेवर, तेलुगु वाला फ्लेवर आपको नज़र आएगा, साउथ वाला फ्लेवर पूरी फिल्म के अंदर नज़र आने वाला है। ऊपर से डॉन गोपीचंद डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो फ्लेवर जो है वो आपको परफेक्टली पूरी फिल्म में दिखाई देगा। मतलब सनी पाजी का दम होगा और डॉन का अंदाज होगा, और दोनों मिलकर धमाका करने वाले हैं ऐसी मूवी में जो पैन इंडिया मूवी होने वाली है। ये है फिल्म जाट, और इसके अंदर अब जो चीज़ें होने वाली हैं, रॉ एक्शन। इसीलिए फ्रॉम द डे वन डॉन गोपीचंद क्या कह रहे हैं, मास्ट फीस्ट लोडिंग, मतलब जनता की फिल्म है ये, पूरी तरह से जनता की फिल्म है जो लोड हो रही है और लगातार हो रही है। शूटिंग अभी जारी है, और उधर से आपका अगले महीने के अंदर भी शूट होना है कुछ सीन, तो मतलब अभी तो काम काफ़ी बाकी है फिल्म के अंदर। और ऐसे में मोशन पोस्टर पर निगाह बनी हुई है कि भाई मोशन पोस्टर आएगा क्या, डेट का अनाउंस होगा कि नहीं होगा, वरना जनवरी के अंदर फिल्म आनी बहुत मुश्किल लग रही है, अभी बहुत मुश्किल लग रही है। लेकिन स्टिल जिस तरह से फिल्म को सुर्खियों में बनाए हुआ, जिस तरह से चेहरे लेके आ रहे हैं एक के बाद एक, और अमृत मान का लाना, आप ये समझ लीजिए पंजाबी का जो फ्लेवर है ना, म्यूज़िक का आप कह लीजिए, तेवर का कह लीजिए, वो आपको इसमें नज़र आएगा। अमृत मान के कई गाने हैं जो जाट पर बेस्ड हैं, उनके गानों की थीम, बहुत सारे गानों की थीम यही है कि जाट ऐसा करता है, जाट ऐसा करता है, बम्बिया बोले गाना आपने सुना ही होगा, वो सारी चीज़ें मिला के वो तेवर आप समझ लीजिए। अगर आपने गाने अमृत मान के सुने हैं तो आपको तेवर का भी अंदाज़ा होगा कि किस तरह के तेवर इस गाने के अंदर रहने वाले हैं। अभी क्लियर नहीं है कि जैसे हमने देखा है बॉलीवुड के अंदर तो बहुत देखा गया है कि पुराने गाने उठा के डाल देते हैं, तो होप कर रहे हैं कि गोपीचंद साहब ऐसा ना करें, एक फ्रेश गाना यहाँ पर। ये तो सॉन्ग राइटर भी अमृत मान, तो उनके सॉन्ग तो दिलजीत दोसांझ ने भी गाए हुए हैं, सिद्धू मूसावाला के साथ भी वो नज़र आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के अमृत मान एक नया सॉन्ग, क्लासिक सॉन्ग, मतलब डेफिनेटली जाट का
तेवर लेते हुए वो एक लिखें और उसी को अपने अंदाज में गाएं, यही हमारी कामना है यहाँ पर। और जाहिर तौर पर फिल्म लगातार आगे बढ़ रही है, तेज़ी से आगे बढ़ रही है, काम लगातार चल रहा है। अब देखते हैं कि फिल्म कब तक कंप्लीट होगी। तो अब देखना है कि फिल्म कब तक कंप्लीट होगी और कब तक फिल्म का अगला मोशन पोस्टर आएगा और कब डेट का अनाउंस होगा। निगाहें बिल्कुल लगी हुई हैं, मुझे मालूम है आप सब भी उसी तरह से बेताब हैं, और जैसी अपडेट इस बारे में आएगा आप तक ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।